नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रत्यूष में। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल निचय और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य। संख्या है भारत में सबसे ज्यादा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 544, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान 103 और बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। इन तीनों के बीच में डिफरेंस को समझना ही आज के वीडियो का परम उद्देश्य है, तो आइए वो काम शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन होते हैं, सरकार का इनका नियंत्रण होता है, जबकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें सरकार या फिर प्राइवेट कंपनी दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक बात याद रखिएगा कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनको अपडेट करके, इनको प्रमोट करके नेशनल पार्क में बदला जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क को बाकी किसी में बदला नहीं जा सकता है। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क बनाए जा सकते हैं, ये बात आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। डिफरेंस बड़ा देखेंगे, दूसरा डिफरेंस कहता है कि फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे, फौना यानी कि जीव जंतु और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट यानी कि ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम नेशनल पार्क करता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडेंजर्ड स्पीशीज यानी जो संकट में है ऐसी प्रजातियों को संरक्षित करने का कार्य करता है। बायोस्फीयर रिजर्व फ्लोरा फौना के साथ साथ ट्राइबल डेवलपमेंट यानी कि जनजातीय विकास को भी प्राथमिकता देता है। बाउंड्री सीमा की बात करें, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व की बिल्कुल फिक्स्ड, बिल्कुल तय बाउंड्री है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ ऐसा नहीं। चौथा जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिलेगा कि टूरिज्म के अलावा कोई ह्यूमन एक्टिविटी नेशनल पार्क में अलाउ नहीं है, यानी कि आप पर्यटन कर सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं। पर्यटन और पशुओं का जो चराई होती है, ग्रेजिंग, उसके अलावा कोई और एक्टिविटी यहाँ पर नहीं अलाउड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। हंटिंग यहाँ पर आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, शिकार नहीं अलाउड। बायोस्फीयर रिजर्व में जो ह्यूमन एक्टिविटी को डिपेंड करती है कि किस एरिया में असल में वो है, तो आइए उन एरियाज को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अलग अलग ये पार्ट हैं हमको दिख रहे हैं यहाँ पर, और सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कोर एरियाज, फिर बफर जोन, फिर ट्रांजिशन जोन। सबसे पहले कोर एरियाज को देखते हैं। कोर एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी ना के बराबर बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बेसिक मॉनिटरिंग का काम होता है, फ्लोरा फौना जो भी प्रोटेक्टेड जीव जंतु हैं उनके बारे में यहाँ बात। उसके बाद बफर जोन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसर्च, एजुकेशन और टूरिज्म, यानी कि शोध, शिक्षा और पर्यटन का कार्य बफर जोन में अलाउड है। टूरिज्म थोड़ा सीमित लेवल पर ही होता है, लेकिन होता है। ट्रांजिशन जोन की बात करें लास्ट वाले, तो यहाँ पर टूरिज्म, पर्यटन, रिसर्च, शोध, सेटलमेंट, अधिवास और साथ साथ यहाँ पर कल्टिवेशन के काम भी किए जा सकते हैं, थोड़ी बहुत खेती के भी अलाउ यहाँ पर किया जा सकता है। ये हो गए बायोस्फीयर के कुछ पार्ट और उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो गाइज, हमने जो चीज़ें पढ़ी, आइए इनका जरा टेस्ट लेते हैं, देखते हैं हमने इतने में क्या समझा क्या नहीं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको पढ़िए, समझिए और आंसर करने का प्रयास कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो नेशनल पार्क हैं वो कंजर्व करते हैं फ्लोरा फाना एंड ट्राइबल डेवलपमेंट को, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के साथ साथ जनजातीय विकास को भी संरक्षित करने का कार्य करता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ग्रेजिंग और कल्टीवेशन की एक्टिविटी के साथ साथ टूरिज्म भी बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया में अलाउड होता है, यानी कि खेती के काम, पर्यटन के काम और पशुओं की चराई के कार्य केंद्र जो एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसमें अलाउड होता है। क्या सही है क्या नहीं आपको बताना है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जो कि यूनेस्को द्वारा 1971 में लॉन्च किया गया। तो ये स्टेटमेंट के बारे में आपको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी ये दोनों स्टेटमेंट मैंने पढ़ाए हैं, तो कोशिश कीजिए जानने की। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही मिलता है और फिर हम आंसर उसका बताते हैं। तो जैसा ही गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट में नेशनल पार्क नहीं, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व होगा। दूसरे स्टेटमेंट में कोर एरिया में ऐसी एक्टिविटीज नहीं अलाउ हैं, वो ट्रांजिशन एरिया में अलाउ है। और थर्ड जो स्टेटमेंट आपका है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, वो बिल्कुल सही है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं इस स्लाइड में। यहाँ हमने देखा है कि फ्लोरा फौना और ट्राइबल डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करता है बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर बात आती है ट्राइबल डेवलपमेंट यानी ह्यूमन भी हो गए और फ्लोरा फौना भी हो गए, तो एनिमल और उनके साथ साथ जो हमारा एनवायरमेंट है या जो भी आप कह लीजिए एक तरीके से प्लांट है, फ्लोरा फौना, इनके बीच का एक जो हेल्दी एटमॉस्फियर है, एक वातावरण जो अच्छा है वो बना रहे,
तो इससे एक चीज में इम्प्रूवमेंट होता है जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। और जब हमारी बायोडायवर्सिटी अच्छी रहेगी तो इकोसिस्टम बढ़िया चलेगा। तो इसी बायोडायवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए यूनेस्को ने 1971 में अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। यूनेस्को आप सभी जानते होंगे यूनेस्को के बारे में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने लॉन्च किया अपना प्रोग्राम जिसको बोलते हैं MAB प्रोग्राम, यानी कि मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम। तो ये बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। तो ये चीज़ें हमने देखी। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, हमने पढ़ा डिफरेंस के बारे में, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। सारी चीज़ों को बनाने में, टाइपिंग वगैरह में मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दिखाइए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और गाइस, आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं आपके इस वीडियो के बारे में, उसको प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसे ही करते रहिए स्टडी प्रत्यूष। थैंक यू सो मच। अच्छा पढ़ें, अच्छे बने।